YouTube कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं कहता है कि आप इतनी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, उसके बाद हम आपके वीडियो को लोगों तक भेजना शुरू कर देंगे या फिर आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन इनडायरेक्टली YouTube यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इतनी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, उसके बाद हमारे पास एनालिटिक्स शो होने लगेगा, हम आपकी वीडियोस को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक्चुअल टाइम है, जब आप इतनी वीडियोस अपलोड कर देते हैं तभी YouTube के सामने एनालिटिक्स के सारे ग्राफ शो होना शुरू हो जाते हैं और YouTube आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में आप अपने वीडियो पे व्यूज बिल्कुल भी मत गिनिए, आप वीडियोस अपलोड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और जैसे ही 33 वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो गया, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। आप खुद देखेंगे YouTube आपकी वीडियो अचानक से बूस्ट कर रहा है, अचानक से ज्यादा लोगों तक भेज रहा है और आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो रही है। YouTube पे पहले वीडियो से कोई स्टार नहीं बनता है। आज तक आपने सुना है कि किसी ने पहली क्लास पढ़ ली हो और वो IAS या IPS बन गया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पहली दूसरी तीसरी दसवीं बारहवीं ग्रेजुएशन उसके बाद भी कई एग्जाम्स होते हैं तब जाके कोई IAS IPS बनता है। और आज के डेट के यूट्यूबर तो IAS IPS से भी ऊपर हैं। बहुत सारे IAS IPS चाहते हैं इवन कि मैं यूट्यूबर बनूं, और आप चाहते हैं कि पहली वीडियो अपलोड करें और यूट्यूब पे स्टार बन जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब पे स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको कितनी वीडियोस अपलोड करने की जरूरत होती है और कितने मिनट की अपलोड करने की जरूरत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया, दो वीडियो अपलोड कर दिया, दस वीडियो अपलोड कर दिया, बीस वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन फिर भी जो है हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं जा रहे हैं, आखिर हमारा चैनल कैसे ग्रो होगा। तो सारी चीजें आपको ब्रीफ में बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि हर एक यूट्यूबर, जो नया यूट्यूबर होता है उसके दिमाग में होती है। काफी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूं कि शुरुआत में आपको कितनी वीडियोस, कितने मिनट की अपलोड करनी चाहिए, तब आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ अब मेरा चैनल जो है क्यों ग्रो नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि आप जिम जाते हैं, आप एक दिन जिम गए, दो दिन जिम गए, दस दिन जिम गए, तो आप क्या सोचेंगे कि मेरी बॉडी बन जाए? दस दिन में तो किसी की बॉडी नहीं बनती है। हाँ अगर आप एक साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही है, तब सोचने वाली बात है कि भाई इसको तो एक साल हो गए फिर भी जो है सो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने खोला है गूगल क्रोम, जो कि फादर ऑफ यूट्यूब है। यहाँ पे कोई भी चीज अगर यूट्यूब से रिलेटेड जाननी होती है तो यहाँ पे हम गूगल में सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया है कि स्टार्टिंग में हमें यूट्यूब पे आखिर कितनी वीडियोज और कितने मिनट की वीडियोज अपलोड करनी होती है। तो सबसे पहला आंसर यहाँ पे आया है, देयर आर नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द अमाउंट ऑफ वीडियो You need to upload to a new YouTube channel। ऐसे तो YouTube कह रहा है कि कोई requirement नहीं होती है, but there are something to consider। मतलब पहले ये भी कह रहा है कि यहाँ पे कोई specific requirement नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। सबसे पहले video length, unverified accounts can only upload videos up to 15 minute long, while verified accounts can upload videos up to 12 hour along। देखिए आप जब YouTube चैनल बनाते हैं तो एक आपको ऑप्शन मिलता है वेरीफाई करने का, जिसमें आप मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई अगर कर लेते हैं तो दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक तो थंबनेल अपलोड करने का और दूसरा जो ऑप्शन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो चीजें हैं स्टार्टिंग में बहुत कम लोग होते हैं जो 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे YouTube आपको बता रहा है कि अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं तो 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। चलिए फाइल साइज, द मैक्सिमम फाइल साइज फॉर अपलोड इज 256 GB। मतलब 256 GB से ज्यादा की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, लास्टली 256 GB तक की ही वीडियो यहाँ पे अपलोड करना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा मेन यहाँ पे फोकस है कि कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, ये यूट्यूब हमें बता रहा है। नंबर ऑफ वीडियोस, सम रिकमेंड अपलोडिंग 33 वीडियो टू अ चैनल बिफोर मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एनालिटिक्स। देखिए बहुत बार क्रिएटर स्टूडियो में हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, जैसे कि वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए।
ठीक है, या फिर वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रही है, किस एज ग्रुप के पास पहुंच रही है, किस तरह की ऑडियंस हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हम अपने एनालिटिक्स में उन चीजों को दिखा देते हैं। लेकिन आप जब अपना क्रिएटर स्टूडियो ओपन करते हैं तो आपको वहां पे दिखता ही नहीं है कि किस टाइम पे हमें वीडियो अपलोड करना है, किस एज ग्रुप के लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये सारी डिटेल आपके क्रिएटर स्टूडियो में नहीं दिखती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि 33 वीडियोस, YouTube कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं कहता है कि आप इतनी वीडियोस अपलोड कर दीजिए उसके बाद हम आपके वीडियो को लोगों तक भेजना शुरू कर देंगे या फिर आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन इनडायरेक्टली YouTube यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इतनी वीडियोस अपलोड कर दीजिए उसके बाद हमारे पास एनालिटिक्स होने लगेगा, हम आपकी वीडियोज को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक्चुअल टाइम है, जब आप इतनी वीडियोस अपलोड कर देते हैं तभी YouTube के सामने एनालिटिक्स के सारे ग्राफ शो होना शुरू हो जाते हैं और YouTube आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि हाँ 33 वीडियो अपलोड कर दिए मतलब कि ये बंदा YouTube पे टिकने वाला है। 4-5-10 वीडियो अपलोड करके तो भागने वाले YouTube पे बहुत हैं, लेकिन कितनी वीडियोज, तो 33 वीडियोज अगर दोस्तों आप अपलोड कर देते हैं तो आपके क्रिएटर स्टूडियो की ग्राफ भी दिखना शुरू हो जाती है और आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि हाँ अब मेरी वीडियोज जो है सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा रही है। तो 33 वीडियो अपलोड करने का मतलब क्या है कि कुछ भी उठा के अपलोड कर देंगे? नहीं, कुछ भी उठा के आपको अपलोड नहीं करना है। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उस तरीके को समझिएगा स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पब्लिशिंग शेड्यूल, सम रिकमेंड पब्लिशिंग 2 वीडियोस पर मंथ टू YouTube एंड 2 or 3 वीडियोस पर वीक टू YouTube शॉर्ट्स। यहाँ पे पब्लिशिंग शेड्यूल बता रहा है कि कितनी वीडियोस, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि कितनी वीडियोस हमें डालनी चाहिए जिससे कि हम YouTube पे रेगुलर रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम रिकमेंड पब्लिशिंग 2 वीडियोस पर मंथ, मतलब कि अगर लॉन्ग वीडियोस आप बना रहे हैं तो महीने में आप अगर 2 वीडियो बनाते हैं तो उसको आपको कंसिस्टेंसी माना जाएगा, अगर आप 1 वीडियो बना रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंसी नहीं माना जाएगा। टू YouTube एंड 2 or 3 वीडियोस पर वीक YouTube शॉर्ट्स, मतलब कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आपको शॉर्ट्स में अपलोड करने हैं और महीने में 2 लॉन्ग वीडियो आपको लॉन्ग में अपलोड करने। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये YouTube आपको खुद कह रहा है। अगर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है तो महीने में 2 लॉन्ग वीडियो और हफ्ते में 2 से 3 शॉर्ट वीडियो। वीडियो लेंथ एंड फॉर्मेट, सम से दैट द बेस्ट लेंथ फॉर अ वीडियो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट बट दैट वीडियो शुड बी एज लॉन्ग एज दे नीड टू बी एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल। देखिए वीडियो का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 20 घंटे का वीडियो बना दूं और उसका कोई मतलब ही ना निकले। वीडियो का मतलब ये होता है कि मैं 10 मिनट की ही वीडियो बनाऊं लेकिन उस वीडियो को जब कोई देखे तो उससे उसे जानकारी मिले, कुछ सीखने को मिले या फिर वो इंटरटेन हो। यहाँ पे इनडायरेक्टली कहने का यही मतलब है। कंप्रेशन, यू कैन यूज बिल्ट इन प्रेजेंट इन प्रोग्राम लाइक एडोब प्रीमियर टू कंप्रेस फाइल वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। बहुत लोगों की वीडियो बड़ी हो जाती है, क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन बहुत लंबा टाइम लेती है अपलोड करने में, तो ये कंप्रेस करने के लिए हमें YouTube बता रहा है। खैर इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। अब आप आते हैं वापस से उसी पॉइंट पे दोस्तों, ये 33 वीडियो कैसे अपलोड करना है। जब आप स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि मेरे वीडियो पे व्यूज जा रहे हैं कि मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट वही हो जाते हैं जहां 1, 2, 3 वीडियो अपलोड किया और देखना शुरू कर दिया, भाई इस वीडियो पे व्यूज गए, अरे यार व्यूज ही नहीं जा रहे हैं, चलो हम छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में जब भी आपको वीडियो अपलोड करना है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आप क्या टाइटल डाल रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, क्या टैग डाल रहे हैं, इससे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये सोच के चलना है कि मुझे 35 वीडियो, मतलब 33 से ज्यादा 34 या 35 वीडियो मुझे YouTube पे अपलोड कर देना है और वो अपलोड करने के बाद लॉन्ग वीडियो। ध्यान रखिएगा आपको ये नहीं कि 35 वीडियो अपलोड करनी हो आपको शॉर्ट आपने अपलोड कर दिया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भैया मैंने चलो शॉर्ट अपलोड कर दिया 35, फिर भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। बात समझिएगा, शॉर्ट का एल्गोरिथम और लॉन्ग का एल्गोरिथम बिल्कुल अलग होता है। शॉर्ट आपका स्क्रॉलिंग फीड से चलता है, शॉर्ट्स में आपके 1000, 2000, 5000 व्यूज मायने नहीं रखते हैं। यही अगर आपके लॉन्ग वीडियो पे 5000, 10000 व्यूज आ जाते हैं
तो वो बहुत मायने रखता है। आप शॉर्ट्स कितना भी अपलोड कीजिए मतलब उससे नहीं है, लॉन्ग में आपके 33 से ज्यादा वीडियोस होने चाहिए। अब जब आपने 33 वीडियो अपलोड कर दिया तो मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो आपको आ रहा है जैसे आपको आ रहा है वो डालिए, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाइए। उसके बाद जैसे ही आपने 33 वीडियो अपलोड कर दिए, 34 वीडियो अपलोड कर दिए, उसके बाद आपको क्या करने की जरूरत है वो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। ध्यान से इस सीक्रेट को समझिएगा। आपको करना क्या है कि YouTube ऐप खोलना है, और YouTube ऐप खोलने के बाद यहां पे आपने जिन जिन टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड किया है उन उन टॉपिक्स को यहां पे ओपन करना है। जैसे मैं यहां पे सर्च करता हूं कि मान लीजिए मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक पनीर भुर्जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है सो मेरा मान लीजिए कुकिंग का चैनल है और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अब यहाँ पे मेरे सामने काफी सारी वीडियोज आ जाएंगी, लेकिन जो भी वीडियोज आएंगी यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 साल पहले अपलोड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल पहले अपलोड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल पहले अपलोड किया गया है। तो इनमें से किसी भी वीडियो को हमें पिक नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे हमें 3 डॉट पे क्लिक करना है, सर्च फिल्टर पे क्लिक करना है, अपलोड डेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दिस मंथ मतलब इस महीने में कौन कौन से वीडियो हैं जो इस टॉपिक पर वायरल हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 वीक पहले, मात्र 2 वीक पहले 40,000 व्यूज गए हैं इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को हमें चुनना है क्योंकि इस वीडियो की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पावर अच्छी है जिससे कि ये वीडियो वायरल हो रही है। उसके बाद इस वीडियो को खोलना है, वीडियो को खोलने के बाद सबसे पहले हमें नीचे देखना है इस वीडियो ने किस तरीके से टाइटल डालना है। और ये आपको मैं अभी लेटेस्ट वीडियो के नहीं बता रहा हूं, जो आपने 33 दिन पहले 40 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आपको इस टाइटल को डालना है, इस डिस्क्रिप्शन को डालना है, इस टैग्स को डालना है, और डालने के बाद यहां पे वो वीडियो फिर से पब्लिश करना है। एक बार तो आपने पब्लिश किया है, वापस से आपको पब्लिश करना है। टाइटल आपने मान लिया डाल दिया, आपने डिस्क्रिप्शन यहां पे मान लीजिए कि डाल दिया, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि शेयर पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक कर देना है। उसके बाद आपको वापस से गूगल क्रोम में आना है और यहां पे आपको सर्च करना है यूट्यूब टैग एक्सट्रैक्टर। यहां पे देखिए यूट्यूब वीडियो टैग एक्सट्रैक्टर स्टैक, यहाँ पे आपने सर्च किया, यहाँ पे आपको इस टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करते ही जो आपने लिंक को कॉपी किया है वो लिंक या यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। स्टैक टैग पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये वो टैग्स हैं जो कि उस चैनल ने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑल पे क्लिक करना है और आपको इन टैग्स को उसमें डाल देना है अपने वीडियो में। अब इससे होगा क्या कि आपको एक वीडियो का नहीं करना है, आपने कितने वीडियो अपलोड किए, 33, 34 या 35 वीडियो आपने अपलोड किया और आपने शुरुआत से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी वीडियो में आपको यही काम करना है। और आपके वो 33, 34 जितने भी वीडियो हैं वो एट अ टाइम एक ही समय पर बूस्ट करेंगे जिससे कि आपके चैनल को अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में आप अपने वीडियो पे व्यूज बिल्कुल भी मत गिनिए, आप वीडियोस अपलोड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और जैसे ही 33 वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो गया आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। आप खुद देखेंगे YouTube आपकी वीडियो अचानक से बूस्ट कर रहा है, अचानक से ज्यादा लोगों तक भेज रहा है और आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो रही है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।